हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय चौहान और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या है? एक प्रकार का बिनाइन ट्यूमर है जिसमें एपिथीलियल सेल आर अरेंज इन फाइब्रस स्ट्रोमा। एपिथीलियल अरेंज रहती है फाइब्रस स्ट्रोमा में, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइब्रोएडिनोमा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का रहता है। एक तो रहता है पेरी केनालिकुलर और दूसरा इंट्रा केनालिकुलर। तो पेरी केनालिकुलर में फाइब्रोसिस मोर रहती है, पेरी केनालिकुलर में फाइब्रोसिस मोर रहती है, जबकि इंट्रा केनालिकुलर में फाइब्रोसिस लेस रहती है, ठीक। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो ये ज़्यादातर 20 ईयर की एज में मिलता है। पीक एज का है इंसिडेंस 20 ईयर। यह पेनलेस लंप होता है इन द ब्रेस्ट। पेनलेस मतलब दर्द नहीं होता है। स्मूथ रहता है, राउंड बॉर्डर और फर्म टू हार्ड एंड कंसिस्टेंसी रहता है। फ्रीली मोबाइल विद इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में फ्रीली मोबाइल रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ड्यू टू फ्रीली मूवमेंट। फ्रीली मूवमेंट जो ब्रेस्ट में फ्रीली मूवमेंट करता रहता है, इसलिए हम इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। ये जब एल्डरली में रहता है ना, तो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक नहीं होती है बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस ज़्यादा रहती है एल्डरली में। अब ट्रीटमेंट क्या है? तो सिंपल है, इंट्रा केनालिकुलर टाइप है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कि इंट्रा केनालिकुलर है तो उसमें डीपर रहता है लंप डीपर रहता है, इसलिए हम इंफ्रा मेमेलरी बोले तो ब्रेस्ट के नीचे से इंफ्रा मेमेलरी इंसीजन देते हैं, सब मेमेलरी इंसीजन देते हैं। जबकि पेरी केनालिकुलर है उसमें सुपरफिशियल रहता है लंप, इसलिए हम एरियोला है उसके पेरी एरियोलर इंसीजन देते हैं। तो ये हमने